मायापुरी न्यूज इन में आपका स्वागत है, मैं हूँ छाया। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। रणवीर सिंह बोले, इतना चिल्लाओ कि मुर्दे भी जाग जाएं। एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म गली बॉय के प्रमोशन में बिजी हैं। फिल्म का ट्रेलर सामने आने के बाद रणवीर सिंह लगातार चर्चा में हैं। लेकिन इस बीच स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान रणवीर सिंह का एक बयान वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर रणवीर का एक वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है। वीडियो में रणवीर ने जो बोला है उसे लेकर लोग आपत्ति जता रहे हैं। स्टेज पर रैप सॉन्ग गाते हुए रणवीर सिंह वीडियो में काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। एक्साइटमेंट में रणवीर फैंस से ये कहते हैं, बगल में जे अस्पताल है साला, आज रात इतना आवाज करो कि वहां के सब मुर्दे जाग जाएं। बोले तो पुलिस आनी मांगती है इधर, लेकिन फिकर नहीं करने का। तुम्हारे भाई का भी वर्ड है पुलिस में, बोले तो अपुन भी सिम्बा है बाबा। लोगों को रणवीर का बयान पसंद नहीं आया, इसे लोग गैर जिम्मेदार बता रहे हैं। शादी से पहले आकाश अंबानी की बैचलर पार्टी। आकाश अंबानी और श्लोका मेहता की शादी का जश्न शुरू होने वाला है। खबरों के मुताबिक आलीशान वेडिंग से पहले आकाश अपने दोस्तों को स्विट्जरलैंड में बैचलर्स पार्टी देंगे, जिसमें उनके करीबी दोस्त शामिल होंगे। आकाश भारत के टॉप कारोबारी मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के बेटे हैं। ये पार्टी 23 से 25 फरवरी तक चलेगी। आकाश के बैचलरेट में बॉलीवुड सेलेब्स भी शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि रणबीर कपूर और करण जौहर भी स्विट्जरलैंड जाएंगे। बता दें कि रणबीर कपूर आकाश अंबानी के करीबी दोस्त हैं। वहीं करण जौहर के साथ भी आकाश की अच्छी बॉन्डिंग है। लोकेशन तक 500 मेहमानों को ले जाने के लिए 2 फ्लाइट्स उड़ान भरेंगी। ये खास बैचलरेट पार्टी स्विट्जरलैंड में सेंट मोरिट्स में सेलिब्रेट की जाएगी। अटकलें हैं कि आकाश अंबानी और श्लोका मेहता की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बीच श्लोका को कई बार मुंबई में शादी की शॉपिंग करते हुए स्पॉट किया गया है। कंगना रनौत ने करण जौहर की जमकर तारीफ। इंडस्ट्री में करण और कंगना की लड़ाई से कौन वाकिफ नहीं, ये सब जानते हैं कि कंगना ने करण जौहर पर नेपोटिज्म को फेवर करने और दूसरे एक्टर्स के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद से कंगना और करण के रिश्ते में खटास आ गई थी। इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ इतने और ऐसे बयान दिए कि दोनों को एक दूसरे का दुश्मन मान लिया गया। लेकिन शायद अब लगता है कि कंगना अपने और करण के रिश्तों को सुधारना चाहती हैं। हाल ही में कंगना ने खुद करण जौहर की तारीफ की। एक इंटरव्यू के दौरान कंगना ने करण को सच्चा इंसान बताया। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में कई लोग हैं जो अपने चेहरे के दम पर जी रहे हैं। एक्ट्रेस ने आगे कहा कि करण जौहर की उन्हें जो बात सबसे ज्यादा पसंद है वो ये कि करण अपने चेहरे पर दूसरों की तरह कोई मुखौटा नहीं पहनते, वो जैसे हैं वैसे ही दिखते और दिखाते हैं। करण जौहर के लिए बेहद खास है 7 फरवरी। फिल्म मेकर करण जौहर इन दिनों कई वजहों से चर्चा में बने हुए हैं। इन सबके बीच वो कोई भी पार्टी अटेंड करना नहीं भूलते। हाल ही में उन्हें मुंबई में हुए लैक्मे फैशन वीक में रैंप वॉक करते हुए देखा गया था। अब एक बार फिर करण जौहर अपने घर पार्टी की तैयारी में हैं। साल 2017 में सरोगेसी से करण जौहर के दोनों बच्चों यश और रूही का जन्म हुआ था। 7 फरवरी को दोनों का जन्मदिन है। खबरों की माने तो करण जौहर अपने बच्चों के लिए ग्रैंड पार्टी करने वाले हैं। पार्टी में करण की ओर से कई सेलिब्रिटीज के बच्चों को बुलाया जाएगा। इनमें पेपराजी के फेवरेट तैमूर अली खान, शाहिद मीरा के दोनों बच्चे, सोहा अली खान की बेटी इनाया, तुषार कपूर के बेटे लक्ष्य और अर्पिता खान के बेटे आहिल शामिल होंगे। करण जौहर ने पिछले साल जब यश और रूही का पहला जन्मदिन मनाया था तो बॉलीवुड के लगभग सभी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने शिरकत की थी। रणवीर सिंह ने फिल्म प्रमोशन के दौरान की बड़ी गलती। अपनी अपकमिंग फिल्म के प्रमोशन में बिजी चल रहे रणवीर सिंह ने एक बड़ी गलती कर दी है। गली बॉय की प्रमोशन के दौरान रणवीर सिंह ने वहां मौजूद लोगों के बीच स्टेज से अचानक छलांग लगा दी। रणवीर के इस स्टंट की वजह से कई लोग घायल हो गए। रणवीर के इस कारनामे के बाद से ही फैंस उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। क्राउड सर्फिंग करते हुए एक्टर की कई वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं। ट्विटर पर लोग रणवीर सिंह को बड़ा हो जाने की नसीहत से लेकर बच्चों जैसी हरकतें बंद करने की सलाह दे रहे हैं। एक यूजर ने कहा कि रणवीर सिंह टैलेंटेड एक्टर होने के साथ ही एक पब्लिक फिगर हैं। उन्हें इस बात का ध्यान रखते हुए मैच्योर और जिम्मेदार शख्स की तरह बर्ताव करना चाहिए। बता दें कि गली बॉय के प्रमोशनल इवेंट में रणवीर सिंह ने भीड़ पर छलांग मारकर क्राउड सर्फिंग करने की कोशिश की, लेकिन उनका ये स्टंट उल्टा पड़ गया और अचानक भीड़ के ऊपर छलांग मारने की वजह से वहां मौजूद कई फैंस को चोट आई है। रणवीर की भीड़ पर छलांग मारने की गलत टाइमिंग की वजह से ये हादसा हुआ। सारा अली ने टाइगर श्रॉफ के साथ काम करने से किया इनकार। सारा अली खान इन दिनों अपनी फिल्मों के कारण खबरों में बनी हुई हैं। सारा की बेहतरीन अदाकारी और चुलबुला अंदाज फैंस का दिल जीतने में सफल रहा है। इसी बीच खबर है कि सारा ने टाइगर श्रॉफ के साथ एक बड़े बजट की फिल्म करने से मना कर दिया है। सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान कम समय में बेहद लोकप्रिय हो गई हैं।
सारा अपनी कामयाबी का भरपूर फायदा लेना चाहती हैं, लेकिन वो बहुत सोच समझकर फिल्मों का चुनाव कर रही हैं। हाल ही में सारा को फिल्म बागी 3 में टाइगर के अपोजिट लीड रोल ऑफर हुआ था, लेकिन सारा ने इसे करने से साफ इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि फिल्म में सारा का रोल बहुत छोटा था और इसी वजह से सारा ने इस रोल के लिए मना कर दिया। मलाइका अरोड़ा की गर्ल गैंग के साथ अर्जुन कपूर की डिनर डेट। अर्जुन कपूर और मलाइका को मंगलवार रात डिनर डेट पर स्पॉट किया गया। खबरों के मुताबिक ये पार्टी शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान ने दी थी। गौरी खान ने ये पार्टी स्पेशली अपनी गर्ल गैंग के लिए रखी थी। इसमें करिश्मा कपूर, अमृता अरोड़ा भी पहुंचे। बता दें कि मलाइका, अमृता, करिश्मा कपूर, करीना कपूर की दोस्ती है और बॉलीवुड में इसे गर्ल गैंग के तौर पर देखा जाता है। डिनर डेट पर अर्जुन कपूर कैजुअल लुक में दिखे, मलाइका पार्टी में जंप सूट में नजर आईं। दोनों स्टार्स अपने रिलेशन को लेकर काफी सीरियस हैं। पहले दोनों पब्लिकली साथ नजर आने से बचते थे, लेकिन इन दिनों अर्जुन मलाइका कैमरा फ्रेंडली नजर आते हैं। वर्क फ्रंट पर नजर डालें तो अर्जुन कपूर इन दिनों फिल्म पानीपत की शूटिंग में बिजी हैं। उनका करंट लुक भी फिल्म के हिसाब से रखा गया है। पहली बार अर्जुन किसी पीरियड ड्रामा फिल्म में नजर आने वाले हैं। बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर लंच करने पहुंचे सैफ और करीना। सैफ अली खान अपनी पत्नी करीना कपूर और बेटे तैमूर अली खान के साथ लंच करने पहुंचे। हमेशा की तरह इस दौरान यहां पर तैमूर ने सबसे ज्यादा पेपराजी को अपनी तरफ आकर्षित किया। वैसे तो तैमूर की क्यूटनेस हमेशा लोगों का दिल जीत लेती है, लेकिन यहां पर तैमूर अपनी ड्रेस से भी लुभाते दिखे। तैमूर गाड़ी से उतरते ही अक्सर भागने लगते हैं, यहां पर भी वो अपना हाथ छुड़ाते दिखे। गाड़ी से उतरने के बाद सैफ बेटे को गोद में लिए दिखे, लेकिन तैमूर को गोद में रहना पसंद नहीं आया और वो खुद उतर गए। इस दौरान करीना कपूर भी काफी स्टाइलिश अवतार में दिखी। बता दें कि इन दिनों सैफ अली खान अपनी सीरीज सैक्रेड गेम्स में बिजी हैं। पति पत्नी और वो के रीमेक में मूंछों के साथ नजर आए कार्तिक आर्यन। बॉलीवुड के गुजरे जमाने के सुपरस्टार संजीव कुमार की फिल्म पति पत्नी और वो के रीमेक पर काम शुरू हो चुका है, जिसमें लीड रोल में नजर आ रहे हैं कार्तिक आर्यन। सोनू के टीटू की स्वीटी स्टार कार्तिक आर्यन ने इसी फिल्म से अपनी एक झलक इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है, जिसे देखकर उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल है। कार्तिक आर्यन ने सोशल साइट पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें उन्होंने खुद के किरदार चिंटू त्यागी जी से लोगों को परिचय कराया है। कार्तिक ने इस फिल्म के लिए अपना हुलिया पूरी तरह से बदल लिया है और एकदम अलग नजर आ रहे हैं। तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा है, मिलिए लखनऊ के चिंटू त्यागी जी से। इस तस्वीर में फॉर्मल कपड़ों और मूछों में दिख रहे हैं कार्तिक। पहले खबर थी कि इस फिल्म में कार्तिक के अपोजिट तापसी पन्नू को कास्ट किया जाएगा, लेकिन बगैर कोई कारण बताए फिल्म मेकर्स ने ये प्लान ड्रॉप कर दिया। मायापुरी न्यूज रील में इतना ही, कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।